Cause I'm nothing and feeling it, touch me and being it, see what I see. I can do it too. Must know I'm with it, mix it up, go with it, with it, go with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm at, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody, when I dance on your fly, cause I know what you don't. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर सोलो रैंकुश वीडियो। गाइस यहाँ हम नो के लाइन में आके यहाँ पर हमें मिल जाती गाइस गाड़ी और फटक से गाइस मैं जाता हूँ अपने ड्रॉप लोकेशन पे। अब यहाँ पर गाइस मैं अपने ड्रॉप लोकेशन पे आते रहता हूँ कि यहाँ पर मुझे दिखता है सामने एक बॉट, तो हम इसे गाड़ी से कुचल देंगे और फटाफट इसकी लूट कर लेते गाइस। और इस बॉट से गाइस मुझे दो बैरल मिल गई थी अच्छी खासी, तो फटक से गाइस मैं अपनी लूट करके फटक से अपने वाले ड्रॉप लोकेशन पर जाता हूँ। अब यहाँ पर आने से पहले गाइस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई आया है कि नहीं। एज यूजुअल गाइस मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने ड्रॉप लोकेशन पे जाते समय हमेशा चेक कर लो कि वहाँ पर कोई आया है नहीं, वरना आपका एक कैंपर खा जाएगा अगर आपने चेक नहीं किया तो। तो यहाँ पर गाइस मुझे कन्फर्म हो जाता है यहाँ पर कोई आया नहीं है, तो फटाफट गाइस मैं अपनी लूट स्टार्ट करता हूँ। कितने में गाइस यहाँ पर एक और बॉट आ जाता है जो फिलहाल के लिए पिस्तौल फायर कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि ये बंदा ना हो, इसलिए मैं कवर से ही इसे देखता हूँ। और ये बॉट ही था तो इसे हम एकदम इजीली मार देंगे गाइस। और वापस से गाइस मैं अपनी लूट में स्टार्ट। अब गाइस यहां पर मैं लूट करते रहता हूँ कि वहां पर अगेन एक और बॉट आ जाता है। तो गाइस लकीली पबजी वालों ने इस बार हमें 3 किल फोकट के दे दिए लाइक बॉट किल, कोई ना इससे हमारी केड़ी पड़ेगी। तो गाइस वहाँ से लूट कंप्लीट करके गाइस मैं जोन में एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक ड्रॉप दिख जाता है, तो हम सोचते हैं कि चलो ड्रॉप लूटा जाए। और यहाँ पर ऑम मिल जाती है बट हमारे पास स्कोप होता नहीं गाइस, तो मैं ऑम उठाता नहीं हूँ और यहाँ से निकलता ही रहता हूँ गाइस कि मुझे नीचे एक बंदा दिख जाता है। अगर इस बंदे ने गाइस कवर पहले लगाया होता तो ये शायद बच जाता, बट इसने थोड़ा सा लेट कर दिया, तो इसे मारे गाइस मैं इसकी लूट कर लेता हूँ। और इस लूट में गाइस मुझे 8x मिल जाती है, तो मैं फटक से वापस से ड्रॉप पे जाता हूँ और वहाँ से ऑम कैरी कर लेता हूँ। अब गाइस वहाँ से ऑम लूट के मैं जोन के अंदर थोड़ा ट्राई करता हूँ, एक पोजीशन देख लूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ गाइस, तो मुझे सामने एक सपोर्ट दिख जाता है लाइक एक ये ड्रॉप का सपोर्ट, तो मैं फटक से गाइस यहाँ पर गाड़ी रोकता हूँ और फटक से गाइस पीछे साइड से कवर बना देता हूँ और फिलहाल के लिए यहाँ पर हो जाता हूँ प्रो। अब गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा होल्ड करता रहता हूँ कि मुझे एक सामने से यूएस आते हुए दिख जाती है और इस बंदे को गाइस हम गाड़ी से एकदम इजीली गिरा देते हैं। अब गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा होल्ड करता रहता हूँ कि मुझे पीछे से एक फायर का साउंड आता है, तो मैं जस्ट चेक करता हूँ कि क्या सीन है। यहाँ पर गाइस मुझे बग्गी पर एक बंदा दिख जाता है ओपन में, तो इसे देते हैं हम गाइस एक प्यारा सा ऑम का शॉट, पट से हेड शॉट, और इसका किल भी गाइस हमें इजीली मिल जाता है। और फिलहाल के लिए गाइस जोन हम पे ही होता है, तो मैं फिलहाल के लिए यहीं होल्ड करता हूँ लकीली। गाइस इतने में पीछे से एक और बग्गी आती है और इसका किल भी गाइस हमें एकदम इजीली मिल जाता है। अब गाइस इतने में जोन के बाहर से एक बेडम का साउंड जाता है, तो मैं जस्ट देखता हूँ कि यहाँ पर कोई आया कि नहीं। तो यहाँ पर गाइस एक वॉल था और उसके पीछे एक बंदा था, तो मैं उस पर नेड करता हूँ और इतने में ये बंदा भी गाइस मेरे पर नेड कर देता है। फिलहाल के लिए मैं कवर में आ जाता हूँ और सेफ हो जाता हूँ। अब गाइस ये बंदा मुझ पर नेट करेगा मुझे पता था, तो मैं फटाक से थोड़ा कवर में बनाने का ट्राई करता हूँ। अब गाइस इस बंदे का एक और नेट आता है, तो मैं फटाक से
को अब पीछे आ जाता हूँ, बट मुझे यहाँ पता था कि मुझे पीछे से पड़ सकती है, तो मैं अटैक से फिलहाल के लिए यहाँ जाता हूँ कि इतने में गाइस ये बंदा एक मॉली कर देता है और जिससे मुझे डैमेज पड़ जाता है। तो फिलहाल इस बुश्ट कवर लेगा इसमें थोड़ा सा हील करने का ट्राई करता हूँ कि इतने में ये बंदा गाइस मुझ पर पुश कर देता है। बट लकीली गाइस पीछे से एक बंदा थर्ड पार्टी करके इसे मार देता है और हम फिलहाल के लिए यहाँ पर सेव हो जाते हैं। अरे गाइस वो बंदा मुझे डैमेज ना दे इसलिए मैं यहाँ पर कर्व बना लेता हूँ, और जो जोन था गाइस वो मुझसे करीब 7 मीटर दूर था, तो मैं स्मोक स्मोक ट्राई करता हूँ, बट इतने में ये जनाब हमें बहुत डैमेज दे दिए थे। और ये बंदा गाइस कंटिन्यूस मेरे पर फायर लेता रहता है, इसलिए मैं इस पर पिक बिल्कुल नहीं करता हूँ, बिकॉज एंड के जोन में पिक करना थोड़ा गलत ही था, बिकॉज थर्ड पार्टी होने का भी कहीं पर चांस था, तो इसलिए मैं बिल्कुल पिक नहीं करता हूँ। फटाफट गाइस हील करता हूँ और फटाक से गाइस मैं जाके एक वॉल बना लेता हूँ ताकि जाते समय मुझे थोड़ा सा कवर मिल जाए। इतने में गाइस ये बंदा वहाँ से बेडम निकाल लेता तो मुझे समझ जाता कि वो मुझे शॉट्स नहीं देगा, तो मैं फटाक से गाइस यहाँ पर कवर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक और वॉल बना लेता हूँ जोन के अंदर, इस बंदे गाइस लिटरली बहुत डैमेज दिया था, बट ये प्रोन के कारण गाइस मुझे प्रॉपर दिखता नहीं है कि इतने में गाइस वो बेडम वाला बंदा इसे कुचल देता है। और गाइस यहाँ पर हम दो बंदे बचे थे, तो मैं फटाफट ट्राई करता हूँ इसकी बेडम फोड़ते हैं, वरना ये हमें बहुत इशू देगी। तो इसकी बेडम गाइस मैंने बहुत डैमेज दिया था, बट हमारा लक गाइस यहाँ पर ख़राब होता है कि लिटरली वापस अगेन जोन हमसे दूर कट जाता है। गाइस मैं यहाँ पर एक और वॉल बना के गाइस पीछे थोड़ा सा हायर रिच का लेता हूँ ताकि इस बंदे को स्पॉट कर सकूँ। अब यहाँ पर गाइस मैं सोचता हूँ कि चलो इस पे ओम का शॉट लिया जाए और इस पे एकदम इडियट खोल के बैठा जाए ताकि जैसे ही बंदा पिक करे हम इसे ओम का शॉट दे, बट ये बंदा गाइस मुझे पिक करता ही नहीं है। आई थिंक इसे पता था कि हमारे पास एक ओम है, तो ये जो जोन था वो मुझसे दूर था, तो मैं सोचता हूँ कि चलो फटाफट जोन के अंदर एंटर किया जाए बिकॉज जोन आने वाला होता है। ये बंदा इतने में गाइस एक नेड कर देता है, बट लकीली वो नेड हमारे इस वॉल के पीछे आता है, और फटक से गाइस मैंने यहाँ पर वॉल बना दी, तो मैं फटक से गाइस यहाँ पर आता हूँ और इस पर नेड्स वगैरह ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस मेरे पास जितने भी मॉलीज नेड्स वगैरह होते हैं मैं उस पर फेंक देता हूँ, बट कुछ होता नहीं गाइस। अब यहाँ गाइस इसके एक नेड की वजह से मेरा एम चौक हो जाता है और ये हमें एकदम इजीली मार लेता है गाइस, तो इस मैच में गाइस मुझे मिल जाते कुछ 19 प्लस। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में गाइस, बाय बाय।